विश्व सामुद्रिक भारत शिखर सम्मेलनी 2023 तृतीय संस्करण उद्यापनी समारोह कार्यक्रम में जोगदेवास भारत में सामुद्रिक शिल्प बहुत पूर्ण बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से कहते भारत में सामुद्रिक शिल्प बहुत पुणा भारत सभ्यता सह नौवाणिज्य कारबार संपर्क रही ओडिशार समृद्ध नौवाणिज्य प्रसिद्ध ओडिशा तत्कालीन कलिंगर चीन दक्षिण पूर्व एशिया श्रीलंका सहित नौवाणिज्य कूटनैतिक संपर्क थिला कलिंगर समृद्ध नौवाणिज्य ऐतिह्य संपर्क में कालिदास रघुवंशम वर्णना करते कालिदास कलिंग को मोह दधिपति समुद्रर राजा भाव वर्णना करपरिक रोम और अनार्क थाइलैंड और इंडोनेशिया सहित ओडिशार नौवाणिज्य संपर्क ने प्रत्नतत्वविद मैंने प्रमाण पाई पुरातन काल में ओडिया साधव मैंने जहाज निर्माण विज्ञान और ज्ञानकौशल दक्ष थे समुद्र पथरे ओडिया नाविकों दबदबा जो बंगोपसगर अतीत कलिंग सागर ना परिचित था कि इंग्रेज मैंने यार ना बदल बंगोपसगर कटले अतीतर से गौरवमय परंपरा एवं भी जारी अच्छे। ये ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 बहुत सफलता के साथ आज समापन होगा। 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किए थे। भारत में मेरीटाइम इंडस्ट्री अपने आप में बहुत पुरानी है। भारत की सिविलाइजेशनल लिंक मेरीटाइम रूट से मेरीटाइम ट्रेड मेरीटाइम कल्चरल एक्सपोर्ट ये सब उसकी एक पृष्ठभूमि रही है। आज भी हम दुनिया की मेरीटाइम अगर मैं स्किल डिपार्टमेंट की प्रोस्पेक्टिव से कहूं सी फेयरर भारत में जितने हैं वो ग्लोबल मैन पावर के 12% है। इसको दुगनी करनी है। इसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है। भारत दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की सारे गुण रखता है। क्वालिटी मैन पावर क्वालिटी नॉलेज और अच्छे इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस भारत में है। अभी इस हमारी आज की चर्चा में यही सब विषय चर्चा हुई। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्डाइजेशन ये सभी को लेते हुए हम आने वाले दिनों में उसको बड़ा करेंगे। भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ दिव्यता के साथ लाखों लोगों की भागीदारी के साथ मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।